क्षमा पातु सरस्वती भगवती नीसे सजाड़ा पा. In molding ourselves for more than a decade of professional expiator for past 10 years. He has previously... First of all, let me congratulate College of Paramedical Sciences that they have taken this initiative of addressing in this much needed time to address such kind of issues which are considered to be stigmatized as well as prejudiced. And do you know that she devoted her life to the cause of leprosy, and she said very wonderfully that the greatest disease in this world is not tuberculosis or leprosy, but it is the feeling of being unwanted. And these lines touch my heart. Whether you are suffering with any disease or not, whether that is contagious, infectious, but when you feel unwanted, I think that is the biggest fear, that is the biggest disease that kills you from inside. And so we can say that for such diseases which are highly prejudiced, like leprosy, and recently we all have gone through the phase of corona pandemic, still it's not over. So when you, I don't know that how much you have suffered out of this pandemic, I don't think that any one of us has been aloof from the pain of this pandemic, and the same stigma was attached to this pandemic, to this disease also. When you were not socializing and when anyone had the symptoms of this disease, they were totally isolated. So the disease did not kill many of them, but the stigma that we attached to this disease killed many of our old aged patients. They died of depression, they died of fear. Will you agree with this? Yes. So when we talk about leprosy, the topic that they have taken is very, very important and needed. That is leprosy breaking myths and the innovations that have been taken from the masses. India mein aaj bhi around 65% total leprosy affected log rehte hain har saal. 60% naye cases India se aate hain. इसकी दवाई अवेलेबल है, मल्टी ड्रग थेरेपी के तौर पे हम दो या दो से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देते हैं, और अब तक जो है तकरीबन 12 मिलियन यानी कि 1,20,00,000 लोग इसका इलाज ले चुके हैं. अब खुद सोचिएगा तीसरा नंबर पे 18,000 केसेस हैं, 15,000 केसेस हैं, तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां धीरे धीरे कम हो जाता है. US में तकरीबन 200 के करीब केसेज आते हैं हर साल लेप्रसी के. सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल अगर देखा जाए तो, सिवाय इंडिया के इट सीम्स सो. लेप्रसी जैसे मैंने बोला कि हमने कभी लेप्रसी अफेक्टेड देखा नहीं है, बट अगर आपको कभी देखने को मिले तो ये बड़ा क्लासिकल फोटो दिखाया जाता है लेप्रसी अफेक्टेड का. सो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लिम्स पे थोड़ा ध्यान दें, हाथों पे, पैरों पे एंड फेस पे. सो यूजुअली ये तीन एरियाज ऐसे होते हैं जो लेप्रसी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. लिम्स में अगर आप देखें तो अगर आप नोटिस करें तो उंगलियाँ बहुत टेढ़ी हैं या फिर ऑलमोस्ट नहीं हैं. सो या तो इस तरह से होती हैं हाथों की उंगलियाँ, या फिर ये इस तरह से हाथ रहते हैं, तो इसको क्लॉ हैंड बोलते हैं, क्लॉ हैंड हो जाते हैं. एंड पैर जैसे यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, यूं ऊपर कर, इसमें ड्रॉप रहता है, पैर सिर्फ गिरा रहता है, उठा नहीं पाते हैं. यूजुअली सबसे पहले एक पैच आता है बॉडी पे, बॉडी के किसी भी हिस्से पे एक पैच हो सकता है, वो आपकी स्किन कलर से अलग होता है और वो सराउंडिंग एरिया से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इतना 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 एरिया में पैच हुआ है, एक वेल फॉर्म्ड उसका आउटलाइन होता है. एंड यूजुअली इस तरह के पैचेस हमारी सबकी बॉडीज में छोटे बड़े होते ही हैं हर जगह पे कहीं ना कहीं, बट इस पैच के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एनेस्थेटिकली नम होता है, यानी कि इसमें कोई सेंसेशन नहीं होती है. एंड यही सबसे अलग पहचान है लेप्रसी के पैच की कि इसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होती है. इसको अगर चुभाओगे आप तो उसमें कोई दर्द नहीं होगा, कोई गर्म चीज़ लगाओगे तो महसूस नहीं होगी, कोई अगर रब करोगे सेंसेशन नहीं है, तो किसी भी तरह का सेंसेशन नहीं होता है इस पैच में. एंड देयर्स द पांच पैचेस से ज़्यादा है, 7, 8, 9, 10, तो वो मल्टीपेसिलरी है लेप्रसी. बट ये दोनों तरह की जो लेप्रसी है वो नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि ये हो तो जाती है इंसान को लेकिन ये दूसरे इंसान को नहीं फैला सकता. तो उसकी बॉडी में तो असर कर सकता है बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया उसकी बॉडी से फिर बाहर नहीं निकल पाता है स्नीजिंग या कफिंग के टाइम पे. जो इन्फेक्शियस टाइप ऑफ लेप्रसी है पॉसिबेसिलरी, उसमें क्या होता है कि स्किन में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, तो पैचेस से स्टार्ट होता है बट धीरे धीरे टर्न्स ऑल ओवर द बॉडी. और ये
अकेला ऐसा लेप्रसी का टाइप है जो फैलती है। तो यानी कि किसी को अगर मल्टी बेसिलरी जिसमें स्किन में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, अगर इस तरह की लेप्रसी है तो ये फैलती है। सबसे पहली चीज होती है कि अगर हमने किसी भी आदमी को रोजगार में डाल दिया, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, उसको भीख से हटा के किसी ऐसे काम में डाल दिया जहां पर वो इज्जत के साथ अपना रोजगार कर सके, वहीं पर आदमी का आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपने बच्चों की देखरेख कर सकता है, अपना घर बना सकता है, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकता है, चार लोगों के बीच बैठ सकता है। लेकिन एक भिखारी ऐसा नहीं करता, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा। तो सबसे पहली हमारी कोशिश होती है कि लोगों को हम लोग लाइवलीहुड यानी रोजगार के जरिए समाज की मुख्य धारा में जोड़ें।